बीड कॉन्स्टिट्यूएंसी मराठवाड़ा इलाके के में आती है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और खासी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहीं से चुनकर आते हैं गोपीनाथ मुंडे। आज हम दिन भर हैं गोपीनाथ मुंडे के साथ, जो महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और लोकसभा में बीजेपी के उपनेता भी हैं। और दिन भर की शुरुआत होती है सुबह के नाश्ते से। मुंडे साहब, ये ट्रेडिशनल नाश्ता यहाँ का महाराष्ट्र का है, पोहा। Yes. तो यूजली यही खाते हैं? आई लाइक पोहा, हमेशा ज़्यादातर मैं वेजिटेरियन नाश्ता करता हूँ, कभी इडली सांभर, पोहा और ऑमलेट भी। अल्टरनेटिव डेट्स पर मैक्सिमम पोहा मैं काफ़ी सालों से थे, मैक्सिमम वेजिटेरियन हूँ, एक आधे दिन ऑमलेट खाता हूँ, लेकिन नाश्ता पोहा होता है, बाद में रोटी भी खाता हूँ, चटनी रोटी। दिन भर काफ़ी प्रचार प्रसार में लगे रहते होंगे, देर रात तक पहुँच रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके दोस्त लोग तो बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग हैं, पर कोई आपके परिवार का सदस्य नज़र नहीं आ रहा है, क्या सब लोग प्रचार में निकले हुए हैं? परिवार का तो सदस्य है, पंकजा प्रचार में लगे हुए हैं, मेरी पत्नी भी कार्यकर्ता में, वो ही इसको संभालते हैं। खाने का समय निकाल पाते हैं? हम रात का खाना खाते हैं, नाश्ते पर एक साथ नहीं होते, दोपहर के खाने पर एक साथ नहीं होते, रात में खाने पर, क्योंकि 10 बजे के बाद प्रचार बंद होता है, उसके बाद खाने पर एक मिलते हैं। और प्रचार पर निकलने से पहले घर पे ही लोगों से मिलना जुलना शुरू हो चुका है। क्योंकि दिन में गर्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए दोपहर में छोटी छोटी सभाओं पर ही मुंडे का ज्यादा जोर होता है। मुंडे साहब, इस बार का जो चुनाव है, आपको लग नहीं रहा है कि बिल्कुल ध्रुवीकरण हो रहा है धार्मिक आधार पर? अजीब सी स्थितियाँ बनी हुई हैं। नहीं, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के आधार पर यहाँ ध्रुवीकरण हुआ है। यूपीए का दो रेजिम मिला, दिस इज द इंडिया सबसे ज़्यादा बुरी सरकार, ये है बैड गवर्नमेंट है। जिस तरह से तमाम बयानबाजी हो रही है आपकी पार्टी की तरफ से भी, अन्य पार्टियों की तरफ से भी हो रही बयानबाजी, तो स्थिति जो है लबे लुआब उसी तरफ बढ़ती दिख रही है। देखिए, हमारी लड़ाई गुड गवर्नेंस के लिए है, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम वोट चाहने के लिए उसको धार्मिकता पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे, लेकिन पहली बार देश का मुस्लिम भी जाग उठा है और वो मेन स्ट्रीम में आ रहा है, इसलिए धार्मिक आधार पर ये चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, अगर बात करें आपकी पार्टी की, क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है आपके? जिस तरह से अडवाणी जी के टिकट में इतना वक्त लगा, वो नाराज रहे, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी को शिफ्ट कर दिया गया बनारस से इधर, और तमाम जसवंत सिंह पार्टी छोड़ के चले गए, आप पार्टी के लोकसभा में उपनेता हैं, आपको लगता है पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया था, नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में उनका नाम दिया, अगर वो नाम नहीं बेचो तो आप कहते थे नरेंद्र मोदी ने उनका पत्ता कटवाया, दोनों तरफ से मीडिया बोल सकती है, और उनको अवसर भी दिया था कि आप यहाँ चुनाव लड़ो, तो उस बात को उन्होंने स्वीकार किया नहीं तो पर और लोगों के बारे में क्या कहेंगे? जसवंत सिंह, जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया था, उनको एकदम किनारे लगा दिया गया, तो एक व्यक्तिवाद पे जो लग रहा है कि मुद्दा उठा हुआ है, केवल मोदीवाद हो रहा है आपकी पार्टी में? नहीं, बिल्कुल नहीं, जसवंत सिंह को पार्टी ने क्या नहीं दिया, राज्यसभा में भेजा, पार्लियामेंट में भेजा, कभी न कभी रिटायर होना चाहिए ना सर, सचिन तेंदुलकर भी रिटायर हुआ ना, तो समय आता है तो रिटायर होना पड़ता है, तो उनको कल गुरखालैंड से टिकट दिया था, क्या नहीं किया उनके लिए, वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, पर राष्ट्रमंत्री रहे, क्या नहीं रहे, उनको दिया था, उनको शायद आगे राज्यसभा में भेज सकते थे, सबर करना चाहिए था, पार्टी के इतना पार्टी ने देने के बाद उससे बगावत करना, ये उनकी गलती है, पार्टी की नहीं। आपके प्रदेश की अगर बात करें, जिस तरह से आप भी गए MNS के नेता राज ठाकरे से मिलने, गडकरी भी गए मिलने, उनकी जी हजूरी करने कि आप शामिल हो जाएं हमारे साथ, उद्धव ठाकरे को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, तमाम बयानबाजी शुरू हो गई, अब MNS फिर अलग लड़ रही है, हालांकि वो कह रही है कि मोदी को सपोर्ट करेंगे, और शिवसेना भी खुश नहीं है,
उन्होंने अपने कैंडिडेट यूपी बिहार हर जगह खड़े कर रखे आपके खिलाफ, कहने को एनडीए में है और सामना में रोज आप लोगों के खिलाफ लेख लिखे जा रहे हैं। पहले तो हमारा सही दोस्त शिवसेना है और शिवसेना और बीजेपी का अलायंस 25 साल से है। देश में संकटों में और किसी भी स्थिति में कोई हमारे साथ रहा है तो उसका नाम है शिवसेना। और शिवसेना का और बीजेपी का अलायंस केवल महाराष्ट्र में, और जगह उन्होंने कैंडिडेट खरीद किए तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उनका अलायंस ही नहीं है हमारे और प्रदेशों में, एक बात। दूसरा, मैं राज ठाकरे को मिला था और नितिन गडकरी भी मिले थे। हम ये प्रयास कर रहे थे कि राज ठाकरे को उद्धव को एक लाए, लेकिन वो प्रयास विफल हो गए। तो फायदा क्या हुआ आखिर? एमएनएस का क्या सवाल है? हाँ, एमएनएस तो ये कह रही है कि हम मोदी को सपोर्ट करते हैं पर आपके खिलाफ लड़ रही है। नहीं, ये फायदा हुआ कि बीजेपी ने प्रयास किया। मैं मिला था राज को, मैंने किया था, ये संभावना नहीं लगती, इसलिए हम शिवसेना के साथ जा रहे हैं। एमएनएस के साथ कोई समझौता होने की गुंजाइश नहीं, ये मैंने चुनाव डिक्लेयर होने के पहले कह दिया, तो मैं उनको पहले मिला था, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और गडकरी भी मिले थे, गडकरी ने भी ये कोशिश की लेकिन ये विफल हुई, इसलिए गडकरी और हम जानते थे कि हमने प्रयास किए, वो प्रयास कामयाब नहीं हो गए। अब चुनाव में शिवसेना हमारे साथ है और एमएनएस हमारे खिलाफ मैदान में है। आप कई प्रदेश के एक और कद्दावर नेता की बात करते हैं, मराठा लीडर शरद पवार की, जो लगातार तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, कभी मोदी को एसएलएम में भेजने की बात करते हैं, कभी वो नजदीकियां दिखाते हैं, कभी तारीफ करते हैं कि मोदी के ऊपर से जो है उनको क्लीन चिट मिल गई है, तो अब क्या जरूरत है उनको बार बार जो है गोधरा कांड की याद दिलाने की, तो क्या है? और आपके खिलाफ काफी आपके एरिया में डटे हुए हैं, पूरी फील्डिंग लगा रखी है जैसा लोग बता रहे हैं। नहीं, देखिए कि शरद पवार एनडीए में आना चाहते थे, हमने एनडीए में उनको नहीं लिया है। अब उनको, उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। अब शरद पवार को मुझे क्या, महाराष्ट्र की जनता कोई नहीं जानता कि उनको सही क्या करना है, तो रोज अलग बयान करते, कभी उनको अच्छा कहते हैं, दूसरे दिन बुरा कहते हैं, तो ये उनका एक, मुझे लगता है कि इनको बुद्धि भेद करना है। तो एसआईएलएम में भेजने की बात कर रहे थे मोदी, सुनने कंफ्यूजन करना है। मुझे लगता है कि उसमें भेजने की जरूरत शरद पवार को, मोदी को नहीं। और आपके खिलाफ कुछ ज्यादा ही यहाँ पूरा भीड़ में जो है, सारे जो लोग हैं उनके प्रभार वाले मंत्री और तमाम लोग यहाँ पे लगातार बने हुए हैं, आपके भतीजे जो पहला आपका काम देखते थे वो भी एनसीपी में चले गए हैं, तो उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, खासकर आपको और स्थिति ये हो गई कि आप 17 तक यहाँ से हिल नहीं पा रहे हैं। नहीं, शरद पवार और मेरी लड़ाई बहुत पुरानी है, वो कोई नई बात नहीं, हर चुनाव में वो यहाँ के कैंप हो जाते और हार कर वापिस जाते। उन्होंने पार्टी से किसी को तोड़ा है तो मैंने भी महाराष्ट्र में लगभग 21 एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग एमएलए को तोड़ा है, तो शरद पवार का काफी नुकसान पहुंचा है मैंने। और वो लड़ाई राजनीतिक ना रहकर व्यक्ति नहीं, राजनीतिक व्यक्तिगत हो गई है सर। एक पावरफुल पार्टी है और उनके 3-4 से ज्यादा नहीं आएंगे, इसका कारण गोपीनाथ मुंडे है। तो आप साफ कह रहे हैं कि वो एनडीए में आना चाहते हैं, आपने रोका, उधर उद्धव ठाकरे भी लगातार यही बयान दे रहे हैं कि वो एनडीए में आना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके पार्टी के कई नेताओं की, मुझे पता है कि उनके साथ डायरेक्ट, चाहे वो नितिन गडकरी हो जो साफ तौर पे ये बात कहते हैं कि मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार। देखिए, दोस्ती एक अलग बात है, मेरी विलासराव की दोस्ती थी और महाराष्ट्र में उत्तर भारत के जैसा ये नहीं होता, कोई किसी को न मिले, यहाँ पॉलिटिकल अपोजिशन होता है, वैयक्तिक दुश्मन नहीं होती। आप यहाँ से, मैंने कार्यकर्ताओं की बात सुनी, सब चाहते हैं कि आप जीते हों और केंद्र में मंत्री बने, पर आपकी क्या दिल इच्छा है, क्योंकि 4 महीने बाद यहाँ पे चुनाव होने हैं, अगर शिवसेना और बीजेपी का जो अलायंस है, अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आती हैं, तो आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे कि केंद्र में मंत्री बनना चाहेंगे? मेरी क्या जिम्मेदारी होगी ये मैं नहीं तय करूंगा, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। हमारे साथ हैं गोपीनाथ मुंडे जी की सुपुत्री पंकजा, जो कि उनकी राजनीतिक विरासत भी संभाले हुए हैं और वो जब सांसद बन गए तो वो यहाँ से एमएलए भी बन गए। पंकजा, इस बार का चुनाव आप किस तरह से अलग देख रही हैं, चूंकि आप खुद भी राजनीति में हैं, पहली दफा एमएलए भी बनी? ये चुनाव भी मुंडे साहब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमें चुनाव में जीतने के लिए हम काम नहीं कर रहे, ज्यादा से ज्यादा लीड मुंडे साहब को लेके दे जिले से, इसलिए हम काम कर रहे हैं। पहले चुनाव जो पिछला हुआ था वो मुंडे साहब का पहला पार्लियामेंट का चुनाव था और उसमें मैं खुद विधायक रही थी, तो अभी मैं खुद विधायक हूँ, तो मैं ज़्यादा जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, तो हम पूरे कार्यकर्ता इस प्रचार को संभाल रहे हैं। मुंडे साहब तो ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में टाइम दे रहे हैं। आप खुद इतने बड़े पॉलिटिशियन की बेटी हैं, राजनीति में किसको अपना आदर्श आप मानती हैं, किसको सबसे आगे आती हैं, देखती हैं, उनके जैसा बनना चाहती हैं? देखिए, हम लोग राजनीति फैमिली से है, मेरे प्रमोद जी मेरे मामा है, मुंडे साहब डैड है, तो उनके बाहर
हम कहाँ आदर्श ढूंढे, पर अटल बिहारी वाजपेयी को और अडवाणी जी को हम पहले से अपने फैमिली की तरह देखते आए हैं, तो वो बॉन्ड थे हमारे घर पे, वो आते रहते थे, तो हम उनके साथ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं अटल जी को बहुत बहुत मानती हूँ और वो मेरे आदर्श हैं। नरेंद्र मोदी नहीं है? नरेंद्र जी मोदी मेरे आदर्श है, पर एक बॉन्ड में जो बोल रही थी, वो अटल जी के साथ हम हमारे घर पे आके रहे, वो पुराना बॉन्ड है। मोदी जी तो आदर्श है, आज सारे युवाओं के आदर्श है, पर आज उनको देखते हुए, मैं अटल जी को देखते हुए बड़ी हुई हूँ, और अभी मोदी को देखते हुए पॉलिटिक्स करना है, तो मोदी जी नेचुरली पूरे युवाओं के आदर्श है, पूरे देश के। इस तरह खत्म हुआ बीड जिले के चराटा गांव में गोपीनाथ मुंडे का ये अंतिम सभा। हालांकि प्रचार का काम अभी तो और चलेगा, लेकिन आज के दिन की ये अंतिम सभा थी, और अब इसके बाद शुरू होगा बंद कमरों में बैठकों का दौर, जहां पे ये रणनीति बनेगी कि चुनाव को किस तरह जीता जाए। कैमरामैन जेपी सिंह के साथ प्रकाश पांडे, डीडी न्यूज, बीड, औरंगाबाद।